और एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान से मैनचेस्टर जाने वाली प्रवास को इस्तांबुल में उतार लिया गया है। बम की इत्तला मिलने पर इस प्रवास को इस्तांबुल में उतारा गया है। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सलाहुद्दीन, बताइएगा कि पाकिस्तान से मैनचेस्टर ये फ्लाइट जा रही थी जिसको बम की इत्तला पर इस्तांबुल में उतार लिया गया है, मजीद अब तक क्या बताया गया है इस बारे में? जी देखें, ये PIA की परवाज थी, PK-709 बोइंग 777 तैयारा था जिसमें 346 से जायद मुसाफिर सवार थे। ये लाहौर से परवाज मैनचेस्टर जा रही थी कि कप्तान को इतला मौसूल हुई कि इसमें बम की इतला है, जिस पर कप्तान ने करीबी स्टेशन तुर्की का इस्तांबुल था जिस पर वहाँ के सिविल एविएशन अथॉरिटी से रब्ता किया और कंट्रोल टावर से रब्ता करके इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर वहाँ लैंडिंग कराई गई कौमी एयरलाइन के तैयारे को। और लैंडिंग करते ही वहाँ पे एविएशन अथॉरिटी और जो भी सिक्योरिटी पर मामूर अमला था उन्होंने फौरी तौर पर तैयारे को अपने हिसार में लेते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया था। उस जानी पर तमाम मुसाफिरों को लाउंज की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है और तैयारे को सर्च किया जा रहा है। तो हमने रब्ता किया कौमी एयरलाइंस से तो उनके तर्जमान का भी यही कहना था कि लाहौर से जाने वाली परवाज जो मैनचेस्टर जा रही थी उसमें इतला मौसूल हुई कि बम की इतला है, तो जिससे इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर इसको उतारा गया है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन।